Assalamualaikum viewers and welcome to the show. आप देख रहे हैं सियासत मना है और हम आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसके अंदर शायद अगर सियासत नहीं होती और गलतफहमियां नहीं होती और मिथ्स नहीं होते तो हम बहुत बेहतर हालात में होते. हमारे साथ आज हैं गुफरान अतर खान साहब, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन हेड ऑफ द KESC कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर. थैंक यू सर. पहला सवाल, आपके घर बिजली जाती है? आप क्या करते हैं? जिस तरह आप लोग गुजारा करते हैं वैसे हम भी गुजारा करते हैं. वी आर पार्ट ऑफ द सिटी एंड आई थिंक वी नीड टू एलिमिनेट दिस वो जो एक होता है ना कल्चर ऑफ VIPs. तो अगर मेरे घर पे आपके घर पे लाइट जा रही है तो मेरे घर पे भी जाएगी KESC के हर सीनियर एग्जीक्यूटिव के घर पे लाइट जाती है. और फिर उसका जो किसी का इस्तेतात है, कोई UPS लगा लेता है, कोई जनरेटर लगा लेता है, उसके साथ गुजारा करते हैं. फ्रान साहब, एक ज़माना ऐसा था आपके शायद आने से पहले कि जिस गली में हमारे गली के कोने पे एक डायरेक्टर साहब रहते थे KESC के, तो वो तो ऑनेस्ट आदमी थे. लेकिन मेरा एक दोस्त था, उसके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक डायरेक्टर साहब रहते थे KESC के. उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में 5 साल कोई बिजली की लोड शेडिंग नहीं देखी थी. ये अब होता है? अब ये बिल्कुल नहीं होता जी. देखें, इस वक्त कराची में जो एक बिज़नेस क्राइटेरिया हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि वो इलाके जहाँ पर बिजली की चोरी बहुत कम है या ना होने के बराबर है, और जहाँ पे आपकी बिल की जो अदायगी है वो 100% के करीब है, वहाँ पे हम एज अ बिज़नेस रूल हम लोड शेडिंग नहीं करते. यही वजह इंडस्ट्री में लोड शेडिंग नहीं होती. और इंडस्ट्री में लोड शेडिंग ना करने की और वजूहत भी हैं कि ऑब्वियसली बैकबोन है आपकी इकोनॉमी का और लेबर फोर्स सारी इंगेज होती है इंडस्ट्री के अंदर, टैक्स रेवेन्यू सारा आपका वहाँ से जनरेट होता है. तो उसके साथ साथ हमने रेजिडेंशियल कमर्शियल में भी डिफ्रेंसिएशन का एक ये कह लें कि काम शुरू किया था, जिसको पूरे मुल्क में सराहा भी गया और लोगों ने कहा कि दिस इज़ द राइट मॉडल टू फॉलो, बिकॉज अनलेस यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन योर गुड कस्टमर्स एंड बैड कस्टमर्स, तो उस वक्त तक ये ना किसी के पास कोई मोटिवेशन होगी और ना ही कह लें कि किसी को ये होगा कि यार अगर हम गलत तरीके से बिजली को इस्तेमाल करते रहेंगे और बिल भी नहीं देंगे तो हमें भी वैसी ट्रीटमेंट मिलेगी जैसे उसको मिल रही है जो बिल टाइम पे देता है और बिजली भी ईमानदारी से इस्तेमाल कर रहा है. अगर मेरा मोहल्ला है उसके अंदर 100-200 अगर घर हैं, सब के सब बिजली का बिल देते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप हमारी बिजली फिर काटें ही ना? नहीं, देखें इसमें ऐसा है कि टेक्निकली कुछ चीज़ें पॉसिबल हैं, कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं. कराची में इस वक्त 1200 फीडर्स हैं जो कि पूरे शहर को बिजली सप्लाई करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स. हमारे पास तमाम फीडर्स के ऊपर डेटा मौजूद है कि कहाँ पे कितनी चोरी हो रही है और वहाँ पे पेमेंट बिहेवियर क्या है लोगों का. तो फीडर लेवल पे तो हमने अभी कर लिया है. फीडर इज़ अ मच बिगर आई वुड से एक यूनिट है पावर सिस्टम का. अब उसमें 100 घर या 200 घर जो हैं वो पॉसिबल नहीं होते कि आप उस लेवल पे जाके इतने वो कह लें कि छोटे स्केल के ऊपर डिफरेंशिएट कर सकें. तो फीडर लेवल पे हम कर रहे हैं. इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे वक्त चल रहा है उसमें PMT लेवल पे या ट्रांसफार्मर लेवल के ऊपर भी हम इसको शुरू कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं. मतलब 2000 घरों के बजाय 200 घर की फिर आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. बात बताएं गुफरान साहब, ये कंपनी क्यों खरीदी थी? यार देखें, इसके पीछे आई मीन अबराज इज़ अ प्राइवेट एक्विटी कंपनी, और प्राइवेट एक्विटी कंपनी जो है जब भी कोई बिज़नेस लेती है तो सबसे पहला उसका जो ऑब्जेक्टिव है या जो 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 चीज़ वो ड्राइवर उसका मेन होता है वो ऑब्वियसली मुनाफा होता है कि यार एक कंपनी है विच इज़ इन बैड शेप जस्ट, लेकिन उसमें पोटेंशियल बहुत है और अगर उसको टर्न अराउंड कर दिया जाए तो उससे यकीनन जो है वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है उसकी एक आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आ रही होती है. तो एक तो डेफिनेटली ये ड्राइवर था. तो इसमें आई मीन अगर कोई ये कहे कि जी हम कोई बड़े खिदमत खल्क के जज्बे के तहत आ गए थे तो वो बिल्कुल गलत होगा और ना हम कभी इस चीज़ का दावा करेंगे. दूसरी चीज़ जो है ना वो बहरहाल एक फैक्टर है जो चूँकि मैं इस मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ और मैं भी इस एक मरहले से गुजरने के बाद इस कंपनी में आया हूँ, तो वट आई हैव सीन इज़ के एक पैशन ज़रूर है. देखें वो लोग जो पाकिस्तानी हैं और वो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे जाके उन्होंने दे हैव डन वेल, तो एंड ऑफ द डे वो ये ज़रूर सोचते हैं कि यार हाउ कैन वी पे बैक टू दिस कंट्री. अब $350 million की जो हमने कमिटमेंट दी थी इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट की, देखें अबराज बीइंग अ फॉरेन एंटिटी, उनके पास इस वक्त दुनिया में कितने 205-206 मुल्क हैं. तो मतलब है कि आपके पास इतने सारी ऑप्शंस थी उस इसी इन्वेस्टमेंट को कहीं और लेके जाके वहाँ पे आप बड़ी आसानी से पैसा बना सकते थे. लेकिन ये बहरहाल एक जज्बा कारफरमा था कि हम KESC को अगर फिक्स कर देते हैं
तो इन अ वे आप कराची की बहुत बड़ी खिदमत करेंगे। और अगर आप कराची को आप फिक्स कर देते हैं तो पूरे पाकिस्तान को आप फिक्स कर सकते हैं, बिकॉज कराची का जो कंट्रीब्यूशन है आपकी ओवरऑल इकोनॉमी में, आपकी टैक्स रेवेन्यूज़ के अंदर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर, दैट इज़ इनक्रेडिबल एंड नोबडी कैन डिनाई दैट। तो जज्बा वो था कि यार जहाँ पे हम मुनाफा कमाना, मेरा ख्याल है वो हमारा हक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम कुछ ऐसा कर जाएं जिसकी वजह से आने वाली नस्लें आने और जो शहर के लोग हैं वो यही कहें कि यार वाकई एक टीम आई थी और उसने आके KESC को टर्न अराउंड किया, जिससे हमारी ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली आई। तो आई थिंक एंड ऑफ द डे दैट इज़ दी रियल कह लें कि ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अस। वो एंड ऑफ द डे का तो दिन अभी शुरू भी नहीं हुआ है, इतनी मिसकंसेप्शन हैं, बातें हैं। जैसे मैं आपका अगला सवाल कि आप लोग फर्नेस ऑयल जो है वो दबा के बैठ जाते हैं ताकि वो जब महंगा हो तो आपको मुनाफा हो जाए ऑन द बुक्स, ये बातें रोड पे होती हैं, ये क्लैरिफाई आप करेंगे अभी, क्या कहेंगे नहीं करते। लेकिन सर जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी खिदमत खल्क अगर हमारा काम नहीं है तो कम अज़ कम हमारे दिल में है और हम अच्छाई करना चाहते हैं मुनाफे के साथ साथ, सर लेकिन रोड पे तो वो कहते हैं आप जानबूझ के तार काट रहे हैं, जानबूझ के आप किसी लॉबी का काम कर रहे हैं, आप जानबूझ के तेल दबा के बैठे हुए हैं क्योंकि वो महंगा हो रहा है और आपको मुनाफा हो जाएगा उसको वापस बेचने में, तो ये फिर कम्युनिकेशन फेलियर है। नहीं देखें, कम्युनिकेशन फेलियर इस तरह से नहीं है कि जहाँ पे अगर 50 लोग बुरा कह रहे हैं तो 50 लोग अच्छा भी कह रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं कि इसके पीछे सारा जो भी कॉन्स्पिरेसी है। लगती है कराची में फ्रांस साहब, रायट्स होते हैं, पुलिस वाले शेल्स फायर करते हैं, शेल्स तो नहीं एम्प्टी बुलेट्स फायर करते हैं, एरियल फायरिंग करते हैं, लोग जो है वो वहाँ से भाग रहे होते हैं, पथराव कर रहे होते हैं, मैं फंसा हूँ, मेरे प्रोड्यूसर साहब फंसे हैं, उनको तो ये नहीं पता कि आप लोग अच्छा काम, उनको तो अच्छे से दूर दूर वो तो समझते हैं आप पता नहीं कौन सा एजेंडा लेके आए हैं कराची को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो ये कम्युनिकेशन फेलियर। देखिए आपने बहुत सारी बातें कर ली हैं, वो लेट मी एक एक करके अगर मैं किसी तरह आपका जवाब दे सकूँ। आपने कहा कि जी अभी तो अच्छाई का आगाज़ नहीं हुआ, ठीक है, पिछले 2 साल की हमारी हिस्ट्री है ना इस प्रेजेंट मैनेजमेंट की, पिछले 2 साल में जितनी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं कराची में और KESC के हवाले से, मैं चंद एक का जिक्र करूँगा, आप मेरा ख्याल है कि उससे एग्री भी करेंगे कि 2.5 साल में पावर जनरेशन साइड के ऊपर वी हैव एडेड अराउंड 450 मेगावाट्स। आपको प्रूफ चाहिए, आई कैन टेक यू विद मी, प्लांट्स पे चलते हैं, नए प्लांट्स हैं जाके आप देख लीजिए। आपने ये 450 मेगावाट जो खता कलामी माजरत, आपने ये 450 मेगावाट नई चीज़ें लगा के किया या पुरानी चीज़ों को सही करके किया? नहीं, ये दिस इज़ न्यू, और इसमें आपकी बात बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है आपका कि देखें इसमें तकरीबन 180 मेगावाट का एक प्लांट है, 2 प्लांट्स हैं 1990 के और 220 का एक प्लांट है, ठीक है। उसके बाद हमने जो बिन कासिम के जो आप समझें कि ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट प्लांट्स थे उनको कंप्लीट ओवरऑल किया है, और उनकी जो जनरेशन कैपेसिटी जो कि बहुत कम रह गई थी उसको हमने रिवाइव करके उसकी जो प्रोडक्टिविटी या उसकी जो एफिशिएंसी है उसको ऊपर लेके गए, तो सिस्टम में 450 मेगावाट ऐड हुआ है एंड दैट कैन बी ऑडिटेड, दैट कैन बी चेक वेरीफाइड, यू नो देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट। सेकंड, हमने इस वक्त कराची में 560 मेगावाट का एक प्लांट इस वक्त लग रहा है, और अगेन इस वक्त मेरा ख्याल है जुलाई में उसका फेज़ 1 कमीशनिंग में आ जाएगा, और बाय द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर इट विल बी कम्प्लीटली कमीशन। सो 560 वो ऐड हुआ, 450 जो है वो 440 हमने अभी तक ऐड किया है, सो रफली वी आर टॉकिंग अबाउट 1000 मेगावाट्स जो कि आपने 2.5 साल के अरसे में आपने ऐड किया है। मोस्ट ऑफ आर प्रोजेक्ट्स हैव बीन ऑन टाइम ऑन बजट, ये नहीं है कि आज हमने कहा और उसके बाद 15 साल लग गए उसको प्रोजेक्ट को लगाने में, ऑन टाइम ऑन बजट। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि देखें हमने कराची में, ये भी आपके शायद इल्म में होगा कि 1980s के बाद से और 2005 तक जब ये KESC प्राइवेटाइज हुई है देर वॉज एब्सोल्युटली नो इन्वेस्टमेंट इन KESC एंड दैट्स अ फैक्ट। सही, अब इन 20-25 सालों में आपका सिस्टम कराची ग्रो किया है, कराची ने, कराची में पॉपुलेशन भी बढ़ी है, लोगों की लाइफस्टाइल्स चेंज हुए हैं, और बीच में जो एक पीरियड आया था जिसमें लोगों ने काफ़ी एयर कंडीशनिंग और ये वो उनकी जो कंजम्पशन बढ़ी है, सो डिमांड भी बढ़ी है, लेकिन आपके सिस्टम में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। एज अ रिजल्ट एक तो आपकी जनरेशन कैपेसिटी इज़ वन थिंग, अब उस जनरेशन कैपेसिटी को प्लांट से निकाल के घर तक पहुँचाने में जो बीच में जो आपका सिस्टम है अगर आपने उसको इम्प्रूव नहीं किया तो आपकी जनरेशन इज़ यूजलेस। कितने लोग बिजली चोरी करते हैं कराची में? कराची में जी इस वक्त तकरीबन 31% बिजली है जो चोरी हो जाती है। 10 में से 3 लोग बिजली चोरी करते हैं, यू कैन से दैट। आई मीन तो जो बिजली का रायट हो रहा होता है अगर उसमें 1000 लोग हैं तो 300 लोग चोर होते हैं,
मैं ये कहूँगा कि जिन एरियाज़ में राइटिंग होती है वहाँ पे बहुत सारे लोग, शायद एक तिहाई से भी ज़्यादा लोग, अगर आप उनसे सवाल करें कि यार आप ज़रा अपना लास्ट बिल दिखा दें हमें, कि आपने लास्ट बिल कब पे किया था, तो शायद वो आपको बिल ना दिखा सके। नहीं सर, वो पत्थर मारेंगे, वो पत्थर होता है उनके पास, वो बिल क्यों दिखाएंगे। सही फ्रांस साहब, एक ब्रेक लेते हैं सर। ब्रेक से वापस आएंगे तो ये मालूम करने की कोशिश करेंगे, अबराज ग्रुप का इन्होंने बात की हमारे साथ, उनके मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन हेड बैठे हुए हैं KESC के। सवाल फिर यही बनता है, क्यों खरीदी थी? पता नहीं था ये जो लोग हैं इसके अंदर सियासत है, सियासत कितनी है, सब पता था, क्यों लिया था? Why would anyone want to do this? आप देख रहे हैं सियासत मनाए, smh@cnbcpakistan.com पर लिख के अपनी राय से हमें आगाह कीजिए, अपनी कंस्पिरेसी थियरीज भेजिए इफ यू हैव एनी। बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।